नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। रुपौली विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। पूरे देश भर की बात करें तो 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की गिनती जारी है। बताते चले आपको, रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 जो उम्मीदवार हैं, खासतौर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन देखिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह। शंकर जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। रुझानों में तो अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है शंकर जी आपका, क्या लग रहा है आपको? बीमा भारती को भी आपने पीछे छोड़ दिया है। शंकर जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? संपर्क टूट गया है शंकर सिंह से, लेकिन देखिए अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है शंकर सिंह का। और बीमा भारती सबसे ज्यादा पिछड़ती हुई दिख रही हैं, तीसरे नंबर पर दिख रही है बीमा भारती। सबसे पहले नंबर पर कलांधर मंडल, जो कि काफी वोटों से आगे चल रहे हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पर है निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह। अच्छा प्रदर्शन इनका देखा जा रहा है। हालांकि माना जा रहा था कि शंकर सिंह का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन वोटिंग के अगर फर्क देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है कलांधर मंडल और शंकर सिंह के बीच में। लेकिन बीमा भारती बहुत ज्यादा पीछे चल रही हैं कलांधर मंडल से। तो मुख्य मुकाबला यहां पर देखा जा रहा था बीमा भारती और कलांधर मंडल के बीच में, लेकिन बीमा भारती पीछे जा चुकी हैं। और यहां पर अब जो मुकाबला है वो निर्दलीय और जेडीयू के बीच में देखा जा रहा है। रुझानों में कलांधर मंडल सबसे आगे हैं, बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद शंकर सिंह दूसरे नंबर पर है और सबसे तीसरे नंबर पर बीमा भारती है। तो आरजेडी बीमा भारती को तगड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। जेडीयू के कलांधर मंडल जो है लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। पांचवें राउंड की गिनती हो चुकी है और इसके बाद भी जेडीयू उम्मीदवार जो है वो ही आगे चल रहे हैं, जबकि मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह दूसरे नंबर पर बरकरार है। देखिए, आरजेडी की बीमा भारती को तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया है। बीमा भारती 2005 से यहां पर विधायक थी, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता ने नकार दिया है उनको। अगर रुझानों को देखें तो और वोटों की जो गिनती हुई है, पांचवें राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है और अभी तक के राउंड की गिनती के अनुसार बीमा भारती पिछड़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कलांधर मंडल सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर शंकर सिंह दिखाई दे रहे हैं। 2005 से लगातार विधायक रही हैं, लेकिन अब तक के रुझानों में आगे उनकी राह मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जेडीयू की गढ़ है और जेडीयू को ही यहाँ की जनता पसंद कर रही है। व्यक्ति विशेष की पहचान यहाँ पर शायद मुश्किल है। और शंकर सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनकी भी अच्छी पकड़ दिख रही है, अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है रुझानों में। अब देखा जाए तो बीमा भारती से मुकाबला कलांधर मंडल की नहीं है। अब तक देखा जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, शंकर सिंह वोट कटिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीमा भारती वोट कटिंग का काम कर रही है। और यहां पर मुकाबला मुख्य तौर पर देखा जा रहा है निर्दलीय उम्मीदवार और जेडीयू उम्मीदवार कलांधर मंडल के बीच में। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या इस बार बदलाव होगा, क्योंकि जनता इस बार क्या बदलाव करने वाली है? क्या जेडीयू को ही एक बार फिर से यहां पर ये जीत मिलने वाली है, या फिर किसी निर्दलीय को जनता समर्थन देती है, जनता चाहती है? क्या जनता इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के सिर पर ताज सजाना चाहती है? ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। और अभी तक देखिए, पांचवें राउंड की गिनती हो चुकी है, टोटल 12 राउंड की गिनती होने वाली है और 12 में से 5 राउंड की गिनती हो चुकी है। पांचवें राउंड तक देखिए कलांधर मंडल जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार चल रहे हैं और तीसरे नंबर पर चल रही है बहुत ज्यादा पिछड़ते हुए बीमा भारती दिखाई दे रही है।